दुनिया भर में सबसे बड़ा साइलेंट किलर माना गया है हाइपरटेंशन को, यानी असामान्य रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। हर साल 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, जिसका सीधा मकसद लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक करना है, उच्च रक्तचाप को लेकर लोगों में जानकारी फैलाना और इसे नियंत्रण में रखने के नए और बेहतर तरीके इजाद करना बेहद जरूरी है। पहले समझिए हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर एक खतरनाक बीमारी है। दरअसल यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव काफी बढ़ जाता है। इसके कारण रक्त की धमनियों में रक्त का प्रवाह बनाए रखने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक काम करने की जरूरत पड़ती है। हेल्थ गाइडलाइंस के मुताबिक 130/80 से ज्यादा ब्लड प्रेशर होने पर व्यक्ति हाइपरटेंशन की श्रेणी में आ जाता है। वैसे तो इससे किसी भी अंग को नुकसान हो सकता है, लेकिन सबसे हाई रिस्क जोन में आ जाता है आपका दिल। इसके लक्षण क्या हैं? इसे समझिए। सर और गर्दन में दर्द रहना, सांस लेने में तकलीफ, रात को धड़कन का बढ़ जाना, धुंधलापन, यूरिन यानी पेशाब में खून आना, सर चकराना, थकान या सुस्ती। कारण: स्ट्रेस, नींद की कमी, मोटापा, अनियंत्रित खानपान, प्रोसेस्ड फूड, अल्कोहल, तले मसालेदार खाने, मांसाहार का अत्यधिक सेवन, रक्त में वसा की अधिकता, अस्वस्थ असंतुलित जीवन शैली, स्मोकिंग। हमने इस विषय पर राय जानी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण सिंह से। उनका कहना है 90-95% मरीजों को ये पता ही नहीं होता उन्हें हाइपरटेंशन है या उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। यह एक तरह का साइलेंट किलर है अगर आपको पता ही ना हो। ब्लड प्रेशर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे जरूरी मांगता है। सिर्फ दवाइयां ही नहीं, इससे स्ट्रोक, हार्ट, किडनी फेलियर, कितने ही खतरों को रोका जा सकता है। डॉक्टर प्रवीण सिंह जो डाइट सुझाते हैं उसके मुताबिक धूम्रपान और अल्कोहल नहीं लें, नमक बेहद कम या नहीं लें, ये बेहद जरूरी है, चावल आटा कम लें, सीजनल ताजे फ्रूट्स, जड़ वाली सब्जियां ज्यादा लें, साबुत अनाज, ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन बढ़ाएं, रेड मीट, फैटी डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लें, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटीन से भरपूर खाना हो। हफ्ते में 4 दिन आपको रोज 40 मिनट का तेज व्यायाम करना है। साथ ही वे कहते हैं ब्लड प्रेशर को सही तरीके से मॉनिटर करें। पेशेंट बैठा हो, दोनों पैर जमीन को छुएं, रिलैक्स्ड हो, उसके हार्ट का लेवल, बाजू पर बांधने वाला कफ, मशीन का लेवल 1 होना चाहिए। दवाइयां पहले से ज्यादा आधुनिक और अच्छी आती रहती हैं। टाइमली अपने चिकित्सक से सलाह लेते रहें। बीते कुछ वक्त में कोरोना के चलते हाइपरटेंशन की बीमारी ने पैर पसारे हैं, इसलिए बेहतर खानपान और एक अच्छा स्वस्थ संतुलित लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखें। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आज तक।